भवानी कहने लगी कि राम किन कारणों से धरती पर आए, कोई कारण तो होंगे। तो ऐसे दो तीन कथाएं सुना रहे हैं राम जन्म की, कारण की। वर्षा किन कारणों से धरती पर आती है, धरती पर क्या कारण हो जाता है, धरती पर ऐसा क्या होता है कि अंबर बाध्य हो जाए, अंबर में बादल बाध्य हो जाए परजन्य बरसने के लिए, तो धरती पर कोई व्याकुलता होती होगी, या वृक्ष कुछ इस प्रकार की आर्द्रता वाष्पीकरण उष्णता कोई व्याकुलता, धरा की तृषा धरती पर कोई एक मांग पैदा होती होगी, तभी तो भगवान आते होंगे। जो धर्म है, बाड़े खलबहु चोर ज्वारा, जे लंपट पर धन पर धारा, माने मात पितानी देवा, साधुन सन करवावई सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर भवति भारत, जब जब होए धर्म के हानि, बाणई असुर अधम अभिमानी। जब प्राकृतिक नियमों की अवहेलना हो, उद्दंडता आ जाए, अनीति दमन अत्याचार शोषण हो, ऐसे में उनके आने की संभावनाएं बनती हैं। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर भवति भारत, धर्म ने व्यवस्था, जब नीति नियम सदाचार न रहे, जब व्यक्ति निरंकुश हो जाए, उद्धत हो जाए, उन्मत्त हो जाए, अनियंत्रित हो जाए, अराजक हो जाए, अव्यवस्था हो जाए, इस पूरी धरती पर कोई एक अज्ञात व्यवस्था है, तो जब नीति और नियम विधि और व्यवस्था अमान्य हो जाए, तब वो एक घटना घटित होती है। महादेव के मुंह से पहले ये निकला कि नारद के श्राप, एक कारण नारद का श्राप भी है, भगवान के जन्म के मूल में नारद का भी श्राप है, नारद भी आवेशित होकर श्राप देते हैं भगवान विष्णु को। एक कारण नारद का श्राप है, नारद का क्रोध है, गिरजाचकित हुई भवानी, थोड़ी विस्मित हो गई। नारद को तो क्रोध आ ही नहीं सकता। अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम श्रोमणि श्री कृष्ण दासा नाम अग्रणी योग भास्कर है। जिसे योग प्रतिष्ठित होता है, जो सत्य प्रतिष्ठित है, जिसमें कभी असत्य नहीं रह सकता, वही तो नारद है। कारण कवन साप मुनि दीना का अपराध रमापति कीना। जिसमें काम न रहे उसी में क्रोध आता है,